हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण। और आज आपको मालूम होगा कि कल की क्लास को हम सब आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कल आपने देखा था कि किस प्रकार से डाइस की कक्षाएं आपके बीच में मैंने लिया था, और डाइस में हमने सिंगल डाइस पे कंसेप्ट ईजाद किए थे, और आज डबल डाइस की भी बात हमने पूरी ख़त्म कर दी थी पूरे क्लास में। प्रीवियस क्लास में कुल 4 केस आपको पढ़ाए गए थे, और साथ ही साथ डबल डाइस के बाद आज बारी है कुछ उसके प्रश्नों का हल करना। आइए कुछ प्रश्न आपको बना करके दिखला देते हैं, और उसके बाद सीधे सीधे आपको जो है आज 2 से अधिक डाइस यदि प्रश्न में दिया रहे तो उस ओर लेकर के आपको चलेंगे। तो आइए आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि डाइस पर आपकी पूरी कमांड हो गई होगी, प्रीवियस क्लास आप पूरी तरह से पढ़ लिए होंगे, और उसके बाद अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो वीडियो देखने से पहले पीछे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आइए स्वागत करते हैं आपका। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है छात्रगण, 2 डाइस बना हुआ, सब दो दो डाइस का, चूंकि 2 ही डाइस आपको पढ़ाए हैं तो 2 डाइस का ही हम यहाँ पे ले रहे हैं सारा चीज़। तो एक चित्र है, देखिए एक के ऊपर में है वृत्ताकार है, एक ट्रायंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, स्टार है, यह दिल का शेप बना हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि जब दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। देखिए डायरेक्ट परीक्षाओं में जो प्रश्न के जो पैटर्न है, डाइस के जो प्रैक्टिसेशन हम चला रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि दिल के विपरीत क्या होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा ट्विस्ट किया क्वेश्चन कि जब दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा। तो आपको बिल्कुल एग्जाम में भी नहीं घबराना चाहिए, जब दिल की शक्ल ऊपर होगी, अरे बाबा जब दिल ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, यही ना निकालना है, तो विपरीत ही ना निकलेगा। ये सब लैंग्वेज से आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि फलाना जब ऊपर होगा तो नीचे क्या होगा, ये सब फालतू बातें होते हैं। बिहाइंड निकालने के लिए बोले, जब ऊपर निकालने के लिए, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आइए सिंपल, आप देख पा रहे हैं दोनों चित्रों में एक एक चित्र जो है कॉमन है। हमने आपको पहले ही बताया कि जब दोनों चित्र कॉमन होते हैं तो हमको क्या करना है, दोनों डाइस पे अगर एक चित्र कॉमन हो जाए तो वैसे स्थिति में हमको क्या करना है, घड़ी के सुई की दिशा में मूव करना है समान पासे से। चलिए यहाँ चित्र बना लीजिए। पहला सेट से आपको क्या प्राप्त होगा, स्टार। ये दोनों को ये बनाएंगे, ये दोनों ये करेंगे, फिर हमको क्या मिलेगा, वृत्ताकार मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा, पहला सेट से मिला। दूसरे सेट से फिर सेम टू सेम से चलेंगे, स्टार, इसके लिए ये मिल जाएगा, ये कलर किया हुआ है पूरी तरह से, है ना। सब आपको याद होगा कि कब हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में घूमते हैं कब, और इसके लिए आपका प्यारा सा दिल मिल गया, ठीक है ना। ये ऑपोजिट हम सबों को मिल गया। तो बोलता है जब दिल की शक्ल ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा, तो देखिए इसका ऑपोजिट में कौन है, ये तो आंसर नंबर कौन है, 4। तो कितना आसानी से हम सब छात्रगण ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, बस जरूरत यही है कि ऐसे प्रश्नों को बहुत ही तरीके से रूल्स के आधार पर पढ़ा जाए। डाइस के 3 केस आपको पढ़ाए हैं, तीनों केस आप केवल अच्छी तरह माइंड में रख लीजिएगा, चैप्टर पे मास्टर बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 4, 3, 5, 4, ओके। फिर दोनों में वही एक ही बात है, दोनों में कॉमन है, तो देख लीजिए यहाँ से चलेंगे घड़ी के सुई की दिशा में, यहाँ से चलेंगे घड़ी के सुई की दिशा में, तो शेट मेरा बन जाएगा 4, 2, 1, यहाँ मिल जाएगा मेरा 4, 3, 5। तो 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 3, यदि नीचे 3 है, 3 तो 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 2, तो आंसर हो गया 2। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, देखिए डायरेक्ट ऑपोजिट ना पूछ के ये कहता है। फिर यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों सेम है, तो 5, 5, यहाँ से 5 ले लीजिए, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, तो 5, 3, 2 का सेट हो गया इस डाइस में, और इसमें हो गया 5, 2, 4 का, 5, 2, 4 का। हमेशा केवल आपको याद रखना है ऐसे प्रश्नों में कि जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें समान अंकों से आपको मूव करना है, ये कभी गलती मत करिएगा। दोनों पास हम देखिए, हम 5 से ही मूव करते हैं घड़ी के सुई के दिशा में। अब कोई भी इसमें क्वेश्चन हो, अगर 3 का ऑपोजिट पूछ रहा है तो 3 का ऑपोजिट कौन होगा, 2 होगा, 2 का पूछ रहा है तो कौन होगा, 4 होगा, 2, सॉरी यहाँ 4 ही है, 2 का ऑपोजिट कौन होगा, 4। अब 5 का ऑपोजिट कौन होगा, तो वह अंक जो छुपा हुआ है, तो कौन छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है मेरा, और 6 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, तो कुछ गड़बड़ा है क्या, ओहो 2 हो गया ना, 5 भी हो गया 2 भी हो गया, 5 और 2, 2, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, 5 और 2, 5 और 2, ये हो गया मेरा जब 2 अंक समान हो। तो जब 2 अंक समान होते हैं तो आपको मालूम है असमान पासा एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2। 4 का विपरीत
ठीक है, चार का विपरीत कौन होगा? तो चार का विपरीत कौन होगा? दो। पढ़ाया गया है ना, जब दोनों पास से फिर दो अंक समान होते हैं तो क्या करते हैं, जो असमान अंक होता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पे असमान अंक चार है और असमान अंक दो है, पांच और तीन यहाँ भी है, सॉरी पांच और दो है, पांच और दो है, तो चार का विपरीत कौन होगा? तीन होगा। यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत लग रहा है, ठहर जाइए थोड़ा सा, रुक जाइए, चार के विपरीत तीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चार का विपरीत कौन हो जाएगा? तीन। क्लियर है ना, रूल आपको सब पढ़ाया गया है, जब दोनों पासे पर लिखे अंकों में दो अंक समान हो जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पांच और दो, यहाँ पर भी पांच और दो समान हो गया, तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो तीन के विपरीत चार, चार के विपरीत तीन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चार के विपरीत कौन होगा, तो चार के विपरीत कौन होगा? तीन। वो ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया था, लिखने के क्रम में गलती हुई होगी, टेक्निकल मिस्टेक था, हो गया, कहीं कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन उठ रहा है यही कि पांच और दो के विपरीत कौन होगा, तो पांच और दो के विपरीत वह अंक होगा जो छुपा हुआ है। तो कौन कौन छुपा हुआ है? एक छुपा हुआ है वन और एक छुपा हुआ है सिक्स, तो वन और सिक्स में कोई भी एक आंसर होगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन तो चार का ही विपरीत पूछ रहा था। ओके, सेम क्वेश्चन, फिर आते हैं ए सी ई बी डी ई, इन दोनों पासा पे आप देख लीजिए एक लेटर समान है, ई और ई, हम लोग ई से घड़ी के सुई की दिशा में घूम जाएंगे तो मिलेगा हमको ई सी ए, फिर मिलेगा ई बी डी, ई बी डी, तो ए का ऑपोजिट डी, सी का ऑपोजिट बी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है ई का ऑपोजिट क्या होगा, तो ई का ऑपोजिट क्या होगा? ए होगा नहीं, क्योंकि डी है, बी नहीं होगा। आंसर मेरे पास बचा क्या? एफ, जो छुपा हुआ है। तो छात्रगण आप देखिए कि बहुत ही आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, बरसते एक ही कंसेप्ट है कि पूरी रूल्स जो है, प्रीवियस क्लास के पूरे रूल्स जो हैं, जो आपको तीन केस बताए हैं कि दोनों पासे पर लिखे अंकों में कोई भी अंक समान ना हो, जब एक अंक समान हो और जब दो अंक समान हो, इतना के अलावा कोई केस भी नहीं बनता है ऐसे प्रश्नों में, तो उसके आधार पर ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब चलिए, अब बारी है हमें दो से अधिक पासा पर आपको ले जाने का, और दो रूल ही पढ़ाते हैं उसमें, दो रूल पर आपका पूरी तरह से दो से अधिक पासा का टाइप नंबर वन आज खत्म कर देंगे। आज पासा का टाइप नंबर वन आपको पूरी तरह से समाप्त घोषित क्लास में किया जाएगा। आइए आपका स्वागत करते हैं दो से अधिक पासाओं के पीस में, आइए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। छात्रगण बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आज के टाइप नंबर दो पर, और दो पर आपके पास में है दो से अधिक पासा। टाइप नंबर टू की शुरुआत हो रही है, जस्ट अभी प्रैक्टिस सेशन खत्म किए हैं दो पासाओं का, उम्मीद करेंगे कि इन दोनों पासाओं पर आपने जो है बहुत ही जबरदस्त रूप से काम किया होगा, और दो पासा के कोई भी प्रश्न पर आपने जो है अपनी फुल फ्लेजर अपनी कंसेप्ट डेवलप कर ली होगी। छात्रगण हम उम्मीद रखेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इन तमाम प्रश्नों को बना करके अपने आप को इस चैप्टर के लिए तैयार कर लेंगे, आने वाले एनटीपीसी की परीक्षाओं के लिए यह बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आइए आपका स्वागत करते हैं और सीधे सीधे आपको लेकर के चलते हैं आज के अगले पड़ाव पर, और अगला पड़ाव है मेरा जब प्रश्न में दो से अधिक पासा दिया रहे, ठीक है। सीधे बोर्ड आप देखिए, मैंने सीधे डाइस लिखा है, डाइस प्रॉब्लम टाइप नंबर दो क्रिएट किया है, और सीधे हम लिखे हैं इसमें जब प्रश्न में दो से अधिक पासा दिया रहे। सिंपल, हमने यहां पर एक दो तीन चार पासा बनाया, तीन दिया रहे, पांच दिया रहे, कितना भी पासा दिया रहे, आपको उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। सभी वही नियम होते हैं छात्रगण जो दो पासा का होता है, बस थोड़ी सी टेक्निक की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखना, जिसको हम रूल नंबर वन आपको कहेंगे, दो से अधिक पासा का रूल नंबर वन जो हम अपना नाम दे रहे हैं, एक्चुअल में ये रूल नहीं है, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आपने पढ़ा है कि पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होते, पड़ोसी सतह कभी, आपको बॉक्स में करके लिखाए थे याद होगा, पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होते। इंग्लिश वाले बच्चे को लिखाए थे एडजेसेंट सरफेस कैन नॉट बी द ऑपोजिट सरफेस, ये कंसेप्ट आपके पास पहले से है, एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस कैन नॉट बी द ऑपोजिट सरफेस। ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल में हमने पढ़ाया था, और आपको मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चन पड़ोसी सतह के नियम पर होते हैं छात्रगण, और इसी पड़ोसी सतह पर 99% क्वेश्चन हमारा सेटअप होता है, बना हुआ होता है। देखिए सिंपल प्रश्न कह रहा है कि व्हाट नंबर इज ऑपोजिट थ्री, मतलब तीन के विपरीत कौन होगा,
अब आप खुद देखिए, तीन के विपरीत में एडजेसेंट पे कौन है? एक और छह, जिसको एडजेसेंट बोलिए या पड़ोसी बोलिए या नेबर बोलिए, कुछ ही बोलिए, क्या तीन के विपरीत में एक और छह हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहां से इसको काट दीजिए। तीन के विपरीत में तीन कभी होगा? तो ये भी कहानी खत्म। केवल इन दोनों के लिए लड़ाई करना है कि दो होगा कि चार होगा। अगले पासा की ओर बढ़ते चलिए। तीन के विपरीत पांच और एक, कहीं पर पांच एक है ही नहीं। तीन के विपरीत में दो और छह, देखिए दो ही कर गया आपके पास। क्या बचा आपके पास? एक ही तो नंबर बच रहा है, एंड दैट इज योर आंसर। मैंने आपको पहले ही कहा कि 99% क्वेश्चंस जो इसमें होते हैं छात्रगण, वो पड़ोसी सतह के नियम से बहुत बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसलिए आपको ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ये रूल बुहाप अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि एडजेसेंट सरफेस का नॉट बी द अपोजिट सरफेस, या फिर पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होते। ये आपको जब हम दो डाइस पढ़ा रहे हैं उस समय से ही बनाते आ रहे हैं। आइए आपको आगे क्यों लेके चलते हैं और इसमें से एक आध क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि ये और अच्छा से आपका क्लियर हो जाए। अगले प्रश्न के पास में है छात्रगण, उसे देख लेते हैं फटाक से। प्रश्न कह रहा है पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा? चलिए काम करते हैं। पांच के विपरीत में छह और तीन नहीं होगा, काट दीजिए। अगले पांच के विपरीत तीन और चार नहीं होगा, चार भी कट गया। पांच के विपरीत दो और चार नहीं होगा, दो भी कट। तो बच लो कौन? कितना सिंपल रूल होता है, बच्चे देख के डर जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, चार चार पासा था। देखिए बिना, मैं कई बार कहता हूं कि बिना पढ़े कुछ आपको जिंदगी में हासिल नहीं होना है। कोई भी चीज में आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कोई भी परीक्षा में बिना पढ़े कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब आप रूल जान गए, अब आप मास्टर हो गए। अब सिर्फ यहां पांच ने आप किसी का भी विपरीत निकाल सकते हैं। एक का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, चार का विपरीत क्या होगा, पांच का विपरीत क्या होगा, छह का विपरीत क्या होगा, इतना ही तो पूछ रहा है ना। आइए वो भी एक एक करके देख लीजिए। अगर हमको सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में पूछता एक का विपरीत क्या होगा, हम देख लीजिए क्या करेंगे। एक का विपरीत निकालने के लिए चल रहे हैं हम। सबसे पहले देख लिए कि एक के विपरीत में छह और तीन नहीं है, है ना। और देखिए किसी का भी पूछे, आप पहले एडजेसेंट वाला रूल यूज कर लीजिए, पड़ोसी सतह वाला रूल यूज कर लीजिए। आप देख रहे हैं खाली इसी पासा में एक लिखा हुआ है, देख लिए आप इसी पासा में लिखा हुआ। देखिए पांच का विपरीत कौन सा होगा, तो पांच तो अपना क्या लेके चला गया है, पांच अपना एक लेकर के चला हुआ है। तो यहां तो एक लेके चला गया, तो एक का विपरीत क्या होगा, पांच, खत्म हो गया। एक का विपरीत निकालने की जरूरत नहीं, आप निकाल चुके थे। पांच का विपरीत कौन सा होगा, तो एक होगा, ये निकल गया मेरा पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम चलेंगे एक का विपरीत, पांच का विपरीत एक हो गया, तो एक का विपरीत क्या होगा, पांच। अब हम दो का विपरीत निकालेंगे, फिर हम चलेंगे एडजेसेंट रूल पर। देखिए दो के विपरीत में चार नहीं होगा, पांच नहीं होगा। अब देखिए दो के विपरीत में चार नहीं होगा, इस रूल के अनुसार पांच तो होगा नहीं, चूंकि पांच एक का विपरीत है, इतना नहीं हो सकता, चूंकि चार पांच एक खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, तीन और छह, यही कोई एक होगा, तीन या छह होगा एकदम निश्चित रूप से। कौन किसके विपरीत में, दो के विपरीत में। अब और देख लीजिए, हैं दो कहीं पर है, कहीं नहीं है। अब दो के विपरीत में एग्जैक्टली कौन होगा, तीन होगा कि छह होगा, ये कैसे पता करेंगे? देखिए बहुत आसान होता है उसको भी। आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि तीन के विपरीत कौन होगा। तो देखिए तीन के विपरीत में ना तो पांच होगा ना तो छह होगा, ठीक है ना। तो तीन के विपरीत में छह नहीं होगा, तो तीन के विपरीत में अब होगा कौन, मेरे पास बच क्या रहा है, नंबर तो अब मेरे पास है ही नहीं। फिर तीन के विपरीत में एक नहीं होगा, छह नहीं होगा, तीन के विपरीत में छह नहीं होगा। अर्थात ये तय हुआ कि तीन के विपरीत में जब छह नहीं हुआ तो मेरे पास अंक अब बच कहां रहा है, तो दो के विपरीत क्या हो गया मेरा, छह, और तीन के विपरीत क्या हो गया मेरा, चार, यही ना बचा बेचा मेरे पास में आंसर में। और चार के विपरीत अब कौन एक अंक बच रहा है आपके पास, तो एक, सब तो खत्म हो गया मेरा। छह के विपरीत निकल गया मेरा, छह के विपरीत निकल गया मेरा दो, चार के विपरीत मेरा निकल गया तीन, खत्म हो गया पूरा। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चंस होता है, आप इसको समझ सकते हैं छात्रगण। तो कोई भी दिया रहे आपको जरा भी नहीं घबराना चाहिए कि भाई मेरा इस अंक का विपरीत पूछ रहा है, कोई भी अंक दिया। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाएगी आपको कि एकदम आप अकबका गए, आपको एकदम से नहीं मिल पा रहा है प्रश्न में, तब ऐसी स्थितियों में छात्रगण आपको क्या करना है, आप कोई भी दो पासा पकड़ लीजिएगा और जो दो पासा का रूल है उस रूल से बना दीजिएगा क्वेश्चन, कोई भी दो पासा, लेकिन उसमें से एक पासा वो पकड़िएगा जिसमें कि जिसका विपरीत पूछा जा रहा है, वो पासा पकड़ करके आंसर निकाल दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। तो समझ में आ गया। तो कोई भी पूछे, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत आसानी से इसे बना पाने में कामयाब होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और बनवा देते हैं इसमें, सो दैट कि और हैंडी हो जाए चैप्टर आपका।
बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं छात्रगण, और एक क्वेश्चन लेकर आए, जो पहला क्वेश्चन लिखे थे वही लेकर के आए हैं, और फिर आपसे पूछ रहे हैं विपरीत निकालिए एक दो तीन का। ये क्वेश्चन दे दिए हैं और आपको निकालना है एक का विपरीत, दो का विपरीत, तीन का विपरीत। अब एक का निकालिएगा तो जो निकालिएगा वो वन का हो जाएगा, तो मतलब तीन निकालिए छः का पा लीजिए, ये तो सिंपल है, डाइस का नियम आप पता होगा। चलिए हम निकालना शुरू करते हैं तीन का विपरीत। एक एक कोई भी निकालते हैं ना, तीन का निकालते हैं। देखिए तीन के विपरीत पर एक नहीं होगा, छः नहीं होगा, कहानी खत्म। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो इधर लिख लिया कीजिए, तीन के विपरीत पर एक नहीं होगा, छः नहीं होगा। अच्छा, और अजय तीन कहाँ है, पाँच नहीं होगा, फिर तीन कहाँ है, दो नहीं होगा। अब मेरे पास बचा कितना, अब मेरे पास बच क्या रहा है, सिर्फ चार बचा है, तो तीन के विपरीत कितना हो गया, चार। कहानी खत्म हो गया। अब आएंगे एक का विपरीत निकालने के लिए। चलो अब एक का विपरीत चलते हैं, एक किसमें किसमें, इसमें तीन नहीं होगा, छः नहीं होगा। अब देखिए एक में एक का विपरीत तीन नहीं होगा, छः नहीं होगा, एक के विपरीत में तीन, चूँकि ये एडजेसेंट है, पड़ोसी है, फिर एक के विपरीत में पाँच नहीं होगा, पाँच नहीं होगा। और कुछ है एक के विपरीत में, नहीं है। और आप देख रहे हैं चार आपका इंगेज हो चुका है तीन के साथ में, चार तो इंगेज हो गया, अर्थात एक के विपरीत चार तो नहीं होगा, क्योंकि चार इंगेज हो चुका है किसके साथ में, तीन के साथ में इंगेज हो चुका है, इसलिए चार नहीं होगा। तो मेरे पास अब बच क्या रहा है, सिर्फ बच रहा है दो, तो एक के विपरीत में कौन हो जाएगा, दो, और दो के विपरीत में कौन हो जाएगा, एक। लेकिन अब सवाल यही उठा कि नहीं, ये एक कैसे होगा, एक के विपरीत में दो, तो दो के विपरीत में कौन होगा, एक हो गया, तो मेरे पास और कौन बचा, अच्छा पाँच बच रहा था ना, एक दो हो गया, तीन चार हो गया, पाँच, यही ना अपोजिट बच रहा था, एक दो तीन चार। अब पांच के विपरीत में कौन होगा, जो छुपा हुआ अंक है। देखिए एक इंगेज हो गया, दो इंगेज हो गया, तीन इंगेज हो गया, चार इंगेज हो गया, सिर्फ छह बचा हुआ था, तो पांच का अपोजिट क्या हो जाएगा, छह। तो बहुत ही सिंपल नियम, ये एकदम कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र है पूरे डाइस जैसे प्रॉब्लमों का, जिसे बच्चे हमेशा से अच्छी तरह से याद करके रखेंगे कि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होते हैं, एडजेसेंट सरफेस कैन नॉट बी द अपोजिट सरफेस। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन रूल नंबर वन के आधार पर बन जाएगा। अब चलिए आपको एक ऐसे प्रश्न के पड़ाव पर लेकर चलते हैं, वो मेरा अंतिम पड़ाव होगा इस डाइस का, जहां पर ये रूल आपको नहीं हुआ। इस रूल से हट करके बिहाइंड दिस रूल हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं, जहां पर पड़ोसी सतह के नियम लागू नहीं होंगे, उन स्थितियों में आप कौन सा गेम खेलेंगे, उसकी बातें आपके साथ में करने के लिए जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं अगले प्रश्नों पर। छात्रगण, एक नेक्स्ट प्रश्न पर आप देखिए अपने आप को। चार डाइस यहां पे बना हुआ है, पांच चार छ, एक दो चार, तीन छ पांच, एक चार पांच। प्रश्न कहता है तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा। आप तो हड़बड़ा के जाइएगा सीधे पड़ोसी सतह वाला रूल। चलिए आते हैं आपके अनुसार पड़ोसी सतह का रूल आते हैं। तीन के विपरीत में छः नहीं होगा, पाँच नहीं होगा, छः नहीं होगा, और कुछ है नहीं, और कहीं पर तीन नहीं है, राम कहानी आपका खत्म हो गया। मामला आपका फंस गया है एक दो चार, इन तीनों में से कौन होगा। अब देखिए यहां पर पड़ोसी सतह के नियम लागू नहीं हुए छात्रगण। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, हम क्वेश्चन के आधार माना करके चलेंगे। ये क्वेश्चन का पैटर्न हो गया कि ये क्वेश्चन में नहीं होगा। अब जब ऐसी स्थिति आ जाए कि पड़ोसी सतह का नियम लागू ना हो, तो यहां पर मेरा अंतिम रूल जन्म लेता है, रूल नंबर दो। इसके अलावा डाइस में कोई रूल पैदा ही नहीं हुआ छात्रगण, रूल दो की बातें कर देंगे, और वो होगा एडजेसेंट पेयर रिपीटेड, एडजेसेंट पेयर एडजेसेंट रिपीटेड। ये एक ढूंढ लीजिएगा, हम उन पासा के पास जाएंगे जिसका विपरीत निकाला जा रहा है, तीन के विपरीत, यहां पर तीन लिखा हुआ है, पासा नंबर सी पकड़ लीजिए, यहां छह और पांच है। हम उस पासा को खोजेंगे जहां पर छह और पांच कॉमन होगा। देख लीजिए आप छह और पांच, ए नंबर पासा पे देख लीजिए, ए और सी की तुलना कर लीजिए। ए और सी की जब तुलना करते हैं तो तीन के एडजेसेंट सरफेस पर छह और पांच है, और छह और पांच चार के भी एडजेसेंट सरफेस पर है। तो छात्रगण देखिए, मैंने वही लिखा है एडजेसेंट पेयर रिपीटेड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पड़ोसी सतह का, पड़ोसी सतह का दोबारा प्रयोग, पड़ोसी सतह का दोबारा प्रयोग, यही नियम चलता है छात्रगण, पड़ोसी सतह का दोबारा प्रयोग। पड़ोसी सतह यहां पर आप देख पा रहे हैं,
कि छह और पांच है, यहां भी छह पांच है, यहां भी छह पांच है। अब हमको निकालना है तीन के विपरीत। बहुत आसानी से निकाल लेंगे छात्रगण। आपको दो पास वाला रूल याद है कि जब दोनों पासे पर लिखे अंकों में दो अंक समान होता है तो असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो तीन के विपरीत कौन हो गया? चार। रूल याद है ना पिछले दो पासाओं का? तो देखिए कितने आसानी से छात्रगण हम सब रूल निकाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बस नॉलेज की आवश्यकता होती है, जानकारी की आवश्यकता होती है। जानकारी के अभाव में फिर आप ऐसे प्रश्नों पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एडजेसेंट पेयर रिपीटेड अर्थात पड़ोसी सतह का दोबारा प्रयोग, यही इस क्वेश्चन का पार्ट था जिसको रूल नंबर दो के तहत हम सबों ने जन्म दिया है। एडजेसेंट पेयर रिपीटेड यानी कि पड़ोसी सतह का दोबारा प्रयोग। तो इस आधार पर हमारा पड़ोसी सतह का प्रयोग दोबारा हो जाता है और हम उन पासाओं को खोजेंगे। आप ध्यान लगाइए, यहाँ पर तीन के विपरीत पूछ रहा था, हम ऐसे पासा के पास जाएंगे जहां पर उसके एडजेसेंट सरफेस पर 6 और 5 है, 6 और 5 है। ठीक है, देखिए ये सब एक रूल है छात्रगण। अगर आप ये कहेंगे तो इसके बहुत सारे नियम हो सकते हैं। आप कोई भी पासा को लेकर के, अगर पासा पे आप मास्टर बनना चाहते हैं तो किसी भी पासा को लेकर आप किसी का विपरीत निकाल सकते हैं। ये रूल नहीं भी आपको पता होगा ना तब भी आप निकाल सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए आप ए और बी पकड़िए और ए और बी से भी तीन का विपरीत निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? देखिए निकलवाते हैं। आप देख रहे हैं दोनों पासे पर लिखे अंकों में एक अंक समान है। समान है कौन अंक समान है? चार। इन दोनों पासे में चार है, तो जब दोनों पासे पर लिखे अंकों में एक अंक समान होता है तो हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में चलते हैं, तो ये हो गया चार पांच छ, फिर यहां पर चार एक दो, चार एक दो। देखिए छः का विपरीत दो, दो का विपरीत छः, एक का विपरीत पाँच, पाँच और चार का विपरीत छुपा हुआ अंक कौन है? तीन। देखिए तीन का विपरीत चार आ गया। सो नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट दिस रूल, लेकिन चूंकि दिमाग में बच्चा का नहीं आता है उस समय में इतना मनी पासा देख लेगा, इसलिए एक रूल याद कर लीजिए कि एडजेसेंट पेयर रिपीट करेगा। ऐसे अब कोई भी पासा, चलिए ए और बी को उठा के बना के दिखा दिए, अब बोलेगा नहीं सर हम उसको नहीं उठाएंगे, हम बी और सी उठाएंगे। आइए उसको भी दिखा देते हैं, एक दो चार तीन छः पाँच, कोई दोनों में कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है। जब आपको कोई भी कॉमन ना रहे तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया है, आपको एक चीज़ पढ़ाए हैं हम, जब कोई कॉमन आपका नहीं रहता है, आपको रूल याद होगा कि हमको कौन सा रूल लगाना है? मानक पासा वाला, स्टैंडर्डाइज वाला। बताया ना कि मानक पासा के नियम से बनेंगे। मानक पासा का नियम क्या होगा देख लीजिए, चार दो छः, चार एक पाँच, छः पाँच ग्यारह, छः तीन नौ, पाँच तीन आठ, ये मानक पासा है। मानक पासा के ऑपोजिट सरफेस का योगफल हमेशा कितना होता है? सात। पढ़ा है ना सात। तो देखिए दो का विपरीत कितना हो जाएगा? पाँच। और तीन का विपरीत कितना होगा? चार। चार और तीन सात हो जाएगा। देखिए तीन का विपरीत कितना हो गया? अगर बी और सी को उठाते तो तीन का विपरीत कितना हो गया? चार। कहाँ बच के जाओगे? मैं तो खुले आम चुनौती देता हूँ छात्रगण तमाम किताबों को कि कोई भी क्वेश्चन मेरा बच्चा के सामने तुम प्रस्तुत करो। सो नॉट रिक्वायर्ड टू जस्ट रिसाइट द रूल्स कि एडजेसेंट पेयर रिपीटेड और एडजेसेंट सरफेस रिपीटेड, आई डू नॉट रिक्वायर्ड। आपको मन करता है कि नहीं सर हम सी और डी से निकालेंगे, हमको नहीं इच्छा है इससे निकालने के लिए। आइए देखते हैं, फिर देख लीजिए इसमें पाँच और पाँच रिपीट कर रहा है तो इससे घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। कैसे चलेंगे? पाँच छः तीन, तो यहाँ हो जाएगा पाँच छः तीन, यहाँ चलेंगे पाँच एक चार, पाँच एक चार, ले अपने आप आ गया। तीन का विपरीत कितना हो गया? चार। मुझे बहुत मजा आता है जब कोई चीज की आप ऑथेंटिसिटी पे पहुंचते हो, जब उसके हाई लेवल पे पहुंचते हो तो वहां आपको समझ में आ जाने लगता है कि वाह रियली सर ये सब रूल्स कितने कारगर हैं और कितने मजेदार रूल्स हैं जो कि जीवन में कई तरह के बेहतरीन परिवर्तन ला सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं छात्रगण के दिए गए ये तमाम नियम आप सबों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहे होंगे और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा होगा। तो आपको किंचित मात्र का भी संदेह नहीं करना चाहिए, किसी भी दो पासे को उठा करके आप आंसर बना सकते थे। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब दिए गए पासे पर दोनों में कोई भी अंक समान ना हो, जैसे अभी हम बी और सी पासा उठाए थे, एक दो चार तीन छः पाँच, आपने देखा कि ये दोनों पासा मेरा एक मानक पासा का रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि दोनों सतहों के अंकों का योगफल साथ नहीं आया है। तब मानक पासा में आपने पढ़ा है कि दो सतहों के अंकों का योगफल हमेशा सात होगा। इन स्थितियों और परिस्थितियों में तीन का विपरीत क्या हो जाएगा? चार, क्योंकि चार और तीन कितना होता है? सात। और अगर इनमें से किसी एक सरफेस का रूल सात आ जाता तब हम आपको बताए थे कि समान सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। प्रीवियस पूरी क्लास मैंने पहले ही आपको कहा कि जो दो पासे के रूल्स मैंने जो आपको पढ़ाए हैं, दो पासाओं के नियम, उन तमाम नियमों को आप आत्मसात करके रखेंगे छात्रगण, तभी जाकर के आप इस चैप्टर पर बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं।
तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास हम सब एक आध क्वेश्चन और करवा दें, चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, तीन पास वाले एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है, चलिए आगे की ओर लेके चलते हैं, उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन पर आपका स्वागत कर रहे हैं छात्रगण। क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न में चार के विपरीत कौन होगा। सबसे पहले पड़ोसी सतह वाला रूल लगा लीजिए, चार के विपरीत में तीन और पाँच नहीं होगा, तीन नहीं होगा, पाँच नहीं होगा, दो नहीं होगा, यहाँ पर है चार है, तो तीन पाँच और दो, तो पाँच और दो खत्म हो गया, मामला दो के पास बच गया है, एक और छः के पास है ना। जल्दी से एडजस्टमेंट देख लीजिए, चार के विपरीत पूछ रहा है तीन दो है कहीं पर, तीन दो ढूंढिए, ये देखिए यहाँ पर तीन दो है, तो चार का विपरीत कौन हो गया एक, हानि खत्म हो गया, सिंपल बन गया, एडजस्टमेंट सरफेस से बना लिए हम लोग, जल्दी बन जाता है ऐसा। मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है, कोई भी दो पासा उठा करके किसी का भी विपरीत आप निकाल सकते हैं, हर एक की स्थिति में आंसर वन आएगा। इन दोनों पासे से भी निकाला जा सकता था, दोनों में कॉमन कौन है, आइए इससे भी निकाल करके दिखा देते हैं, दोनों में कॉमन कौन है, पांच कॉमन है, पांच से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाइए, पांच एक तीन, यहां से घूमिए, पांच चार तीन, पांच चार तीन, देखिए चार का विपरीत कौन आया, वन आ गया। तो किसी भी पासे को उठा करके आप बना सकते हैं, ये कोरी बात होगी, इस पे ज्यादा कुछ भी अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरी चैप्टर पर आपकी कमांड हासिल करवा चुका हूं। जब प्रश्न में दो एक पासा दिया हो, प्रश्न में दो पासा दिया हो, प्रश्न में तीन पासा हो, चाहे वो नंबर सिस्टम पे पासा दिया हो, चाहे वो डॉट सिस्टम पर पासा दिया हो, चाहे वो कलर पर दिया हुआ रहे, आपको किंचित मात्र का भी कोई कमी नहीं होना चाहिए और बहुत ही आसान तरीके से आपको जवाब देना चाहिए। अगर वहाँ पे रंग ही रहता तो क्या फर्क पड़ता, रंग को जैसे हम लोग घूमते हैं वैसे ही रंग को घूमेंगे, वही एडजेसेंट सरफेस यूज होगा, वही सारा कुछ यूज होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आपको दिक्कत होना चाहिए। चलिए एक कलर वाला क्वेश्चन और करवाते हैं, आइए कलर की ओर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। छतनी कलर का क्वेश्चन पे लेकर के आए हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न है, मैंने लिखना भूल गया, पीला के विपरीत कौन सा होगा, क्वेश्चन में है पीला के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो हमें पीला का विपरीत ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करेंगे, क्या कोई इशू नहीं है पीला का विपरीत ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो पीला का विपरीत कौन सा रंग होगा। आप देख रहे हैं कि पीला में नारंगी और नीला है, ए बाबू नीला तुम चले जाओ, हम लोग का जो एडजेसेंट सरफेस का रूल है, जो पड़ोसी सतह का रूल है, फिर पीला में नारंगी और गुलाबी है, गुलाबी तुम भी चले जाओ, फिर पीला में नीला और लाल है, लाल तुम भी चले जाओ, तो बच लो कौन, बचा मेरे पास कौन, तो सिर्फ और सिर्फ बैगनी, तो पीला का अपोजिट कौन हो गया, बैगनी। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पूरी तरह से ये रूल पूरे कब्जे में आ गया होगा छात्रगण, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इन तमाम नियमों को सीखा है। मैं आपको कई बार कह रहा हूं कि प्रश्न में कितना भी पासा दिया हुआ रहे, कोई रूल आप नहीं जानते हैं, एक रूल जानते हैं कि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं होते हैं, और साथ ही साथ दो पासा के तीन केस आपके जेहन पे है, आपके जुबान पर है, तो डाइस का कोई भी गंदा से गंदा प्रश्न बहुत बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं छात्रगण, मंगल आशीर्वाद देते हैं कि आप इस चैप्टर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और उसको पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि कल की क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब बखैर, बाय बाय।